नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। एक बार फिर से आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की वीडियो हमारी होने वाली है विच इज़ बेटर बिटवीन वे प्रोटीन और चिकन प्रोटीन। हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या आपके लिए बेटर है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें चिकन और वे प्रोटीन, दोनों के दोनों ही एक हमारे सोर्स हैं प्रोटीन की कमी को पूरा करने के। जैसे ही इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, उसी तरीके से इनके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि दोनों का न्यूट्रिशन, दोनों की प्रिपरेशन, दोनों का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ये डिफरेंट हो सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और जो एक चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, वो होता है आपके फिटनेस गोल्स क्या हैं, आपका लाइफस्टाइल किस तरीके का है और आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं। ये सब उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, कि वे प्रोटीन या फिर चिकन प्रोटीन। तो आइए हम इन चीज़ों पे आगे डिस्कशन करते हैं। इनके जो पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं उसके बिना पर हम ट्राई करते हैं थोड़ा इनको कंपेयर करने की कि कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा। फर्स्ट पॉइंट इसका हो सकता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के ऊपर अगर हम इसे डिवाइड करें तो वे प्रोटीन और हमारा चिकन प्रोटीन दोनों ही ऐसे अमीनो एसिड्स हमें देते हैं सारे के सारे जो हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं और हमारी बॉडी उन्हें खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए हमें इन दोनों को अपने डाइट में ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम वे प्रोटीन को देखें तो वे प्रोटीन हमें एनर्जी रिच लैक्टोज प्रोवाइड करता है या मिल्क शुगर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट बिल्कुल भी फैट नहीं होता। वहीं पर अगर हम चिकन प्रोटीन को देखें तो चिकन प्रोटीन के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं होते लेकिन फैट होते हैं। तो गुड फैट्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अगर फैट ज़्यादा हो जाएं वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो वो फैट्स होते हैं वो हमें ओबेज बनाते हैं या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि वो हमें मोटा बनाते हैं। फालतू की चर्बी हमारे शरीर में ऐड होगी तो हमें फालतू के फैट्स भी नहीं खाने हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा हो सकता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के मामले में सबसे बेस्ट है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इस रेस में सबसे ज़्यादा आगे निकल जाता है क्योंकि वे प्रोटीन को बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। वे प्रोटीन के अंदर पानी डाल सकते हो, उसको शेक कर सकते हो, उसे आराम से पी सकते हो। आप चाहो तो उसे दूध में मिलाकर भी पी सकते हो, आप चाहो तो उसकी स्मूदी बना सकते हो, उसके शेक्स बना सकते हो, योगर्ट के साथ उसको बना सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ आप उसे ले सकते हो और वो तब भी आपको अपने प्रोटीन का पूरा बेनिफिट देगा। वहीं पर अगर हम चिकन की बात करें तो चिकन के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा तामझाम लगता है उसको साफ़ करना, उसको धोना, उसके बाद उसको या तो ग्रिल करेंगे या बेक करेंगे या हम उसको बॉईल करेंगे, कैसे भी हम उसको भी खा सकते हैं। वैरायटीज़ उसमें भी बहुत हैं बनाने की, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी और टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या कॉलेज वगैरह कहीं भी जाते हैं तो आपको वे प्रोटीन ज़्यादा सही चीज़ एक तरीके से लगेगी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं करता। एकदम से एक स्कूप डाला, पानी डाला, शेक किया, पिया और चले गए, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चिकन के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको रेफ्रिजरेटर में भी रखना पड़ सकता है क्योंकि अगर हमें आगे खाना है तो। लेकिन वे के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वे को बिना रेफ्रिजरेटर के आप यूज़ कर सकते हैं। इस हिसाब से प्रिपरेशन के मामले में ज़्यादा कन्वीनियंट मेरे हिसाब से तो वे प्रोटीन है चिकन के कंपेरिजन में। थर्ड पॉइंट हमारा होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, वे प्रोटीन के अंदर सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं प्रोटीन की, किसी भी अन्य सब्सटेंस प्रोटीन का जो है फूड उसके मुकाबले में। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ IMHC उन्होंने भी ये कहा है कि वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन सब्सटेंस है या सप्लीमेंट है जिसको अगर आप खाते हैं या पीते हैं वो आपकी बॉडी में किसी भी अन्य प्रोटीन सोर्स के कंपैरिजन में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब बहुत जल्दी होगा। अगर आपके जल्दी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि वो बहुत जल्दी हमारे अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी हमारी बॉडी, उसके बाद वो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको जल्दी रिपेयर करेगी और जल्दी रीबिल्ड करेगी,
बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट के बाद। और वहीं पर अगर हम चिकन प्रोटीन को देखें तो चिकन प्रोटीन भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वे वो बहुत स्लो स्लो एब्जॉर्ब होता है। जब एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट स्लो होगा तो उसके जो अमीनो एसिड्स हैं वो भी हमारी बॉडी को कुछ टाइम के धीरे धीरे बाद मिल पाएंगे। जब वो लेट मिलेंगे तो स्लोली मिलने की वजह से जो हमारी बॉडी में रिपेयर होना है या रिबिल्ड होनी है मसल्स, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको चिकन खाना है तो आप उसको रात के टाइम पे ले सकते हो, क्योंकि रात से सुबह तक के हमारे पास काफ़ी लंबा टाइम होता है। उस टाइम पर अगर हम चिकन लेंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट भी आराम से हो जाएगा और उसके बाद एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, तो हमें अमीनो एसिड्स पूरी भरपूर मात्रा में अच्छे तरीके से मिल पाएंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा कॉशन। कॉशन में क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ दोनों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा लैक्टोस अगर हमारे पास हमारी बॉडी में चला जाएगा और जब वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा उससे भी हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, जो कि वे प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। खतरा क्या है, अगर आपकी बॉडी में लैक्टोस सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो उससे आपको गैस हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर हो सकता है। और वहीं पर अगर हम चिकन की बात करें, चिकन के अंदर सेलमोनिला बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, मैं शायद सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ उनका नाम, स्पेलिंग में यहाँ पर डाल दूंगा। वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से दिक्कत प्रेजेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, जब हम बिना सही से कुक हुआ हुआ चिकन हम खाते हैं उसकी वजह से ये बैक्टीरियाज एक्टिव हो जाते हैं। ये बैक्टीरियाज एक्टिव होने के बाद हमें फीवर कर सकते हैं, डायरिया कर सकते हैं और भी कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो ये हमें दे सकते हैं। और कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जिनमें जो अनकुक्ड चिकन खाने वाले लोग हैं उनकी डेथ तक हो गई है। तो आप दोनों वाइजली सही तरीके से चूज़ करें कि आपके लिए बेस्ट है। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल। मैं मिलता हूँ आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नॉट पीस गेंस।